बीजेपी है, मोदी कह रहे हैं, पूरी भाजपा कह रही है कि इंडिया अलायंस की पतंग कट चुकी है, अभी से ही तोते उड़ गए। क्या लग रहा है कि इंडिया अलायंस? मैं तीन दिन हो गए ना मोदी जी बुखलाए हुए हैं, कभी हिंदू मुसलमान, कभी पहले तो मछली पाए थे, फिर हिंदू मुसलमान पे आ गए, मंगलसूत्र पे आ गए। मंगलसूत्र की जो बात कही है ना मोदी, चाचा अब मंगलसूत्र तो मोदी जी ने तोड़वाए हैं, मोदी जी ने। और मंगलसूत्र की बात हो गई, वही अभी एक भाई कह रहा था कि मंगलसूत्र जिसको बनाया था उसका तो सुरक्षित नहीं रख पाया, और किसका मंगलसूत्र सुरक्षित रखेगा, किस बहन का और किस बेटी का सुरक्षित है? मणिपुर जाके देख लो आप, क्या नहीं हुआ समझ? अरे चाचा चाचा एक बटू लगा के उसके बाद तू वो हाथरस देख ले, उन्नाव देख ले, कहाँ नहीं देखेगा, कहाँ नहीं देखोगे आप? हाथरस उन्नाव कहाँ नहीं है? वहाँ भी अभी कार्रवाई चल रही है, अगर कार्रवाई में बीजेपी वालों का हाथ आ जाए तो कहना। इंडिया अलायंस कितना मजबूत दिख रहा है, क्या पहले चरण में पिछड़ गए होंगे इसीलिए बौखलाहट है? मैडम इंडिया अलायंस सिस्टम जीत रहा है, 62% वोटिंग हुआ, मोदी जी बुखला गया है, अभी हो क्या गया है? इनका इनका अपना इंटरनल सर्वे, आरएसएस का इंटरनल सर्वे इनको 140 सीट दिखा रहा है। मेरा सर्वे नहीं है, इनका अपना सर्वे है ना, किसी उसका। और गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया तो आज मोदी जी किसके ऊपर है? एक मेकअप करते हैं गोदी मीडिया और मोदी जी का मेकअप करके उनको बिठा देता है टीवी चैनल के ऊपर, मोदी 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 मोदी। सवाल ये भी है सर, जब बीजेपी पीएम मोदी घेर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, कह रहे हैं कि मुस्लिम को लेकर तुष्टिकरण किया, वोट बैंक बनाया और उसी पर अपनी राजनीति की है, अगर बीजेपी हिंदुत्व को लेकर चल रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? वो भी तो अपना आधार बना रहे। एक बात बताइए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, एक तो बताइए कहां पे उन्होंने 45-47 पन्नों में कहां पे एक तो मुस्लिम की बात लिखी है? उसने सबका सबकी बात लिखी है, 30 लाख नौकरियां लिखी है, युवाओं की बात लिखी है, युवाओं के वो फॉर्म की बात लिखी है, हर एक नहीं पढ़ा उस चीज को। लेकिन एक बात, मोदी जी वैसे स्टेज के ऊपर से झूठे भाषण दे रहे हैं, ऊपर से चुनाव प्रचार कोई कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं करता, कभी वो राम जी के ऊपर वोट मांग रहे, उनका वो एक ये अभी सीरियल का काम किया था, वो राम नहीं बन गया अपने आप को, अरविंद गोविंद में राम नहीं बन गया सीधा उसने, और वो उसको मौका किसने दिया था? राजीव गांधी ने मौका दिया था, रामन सागर को किसने कहा था रामायण बनाने के लिए? राजीव गांधी जी ने कहा था, राजीव गांधी जी के वजह से रामन, उसको राम का रोल मिला, आज वो राम की मूर्ति लेके आज चुनाव उसने जा, अभी बिहार के बीजेपी हैंडल ने क्या कहा था, आपका एक एक वोट मंदिर को जाएगा, उसके वोट का बीजेपी तो क्या कि आपका एक वोट बीजेपी को जाएगा तो यानी कि विकसित भारत बनेगा, इंडिया अलायंस को जाएगा तो फिर लोकतंत्र, अगर लोकतंत्र में, अगर लोकतंत्र में क्या कहा था राजीव दीक्षित जब अभी चुनाव आयोग में राजीव ने क्या कहा था कि अब कोई भी हिंदू मुसलमान किसी को कोई बयान नहीं देगा, सबसे पहले इसने ये दिया था, उस टाइम ही मैंने ये बात कही थी विपक्ष के ऊपर कार्रवाई होगी, और विपक्ष के ऊपर क्या शिवसेना का क्या कसूर है? भवानी जय भवानी का नाम ले दिया तो उसके ऊपर उसको नोटिस जारी हो गया, क्या मोदी जी को किसी के ऊपर नोटिस जारी नहीं होगा? मोदी जी उल्टे सीधे बयान हिंदू मुसलमान कर रहे, कोई नोटिस जारी हो? अमित शाह भी उल्टे सीधे बयान कर रहे हैं, उनके ऊपर कभी नोटिस जारी हुआ है? बहुत इज्जत करता चुनाव आयोग की किसी उसकी, लेकिन चुनाव आयोग बिल्कुल सोया हुआ है। चुनाव आयोग को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भाई दुनिया में हमारी बेइज्जती ना करावे, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक हमारा देश है, हमारी बेइज्जती ना करावे। विश्व भर में हमारा डंका जितना बजना था बज लिया, मोदी के राज में जितना डंका बजना था बज लिया। अब मैं विदेशों में, मेरे दोस्त भी रहते हैं विदेशों में, कोई डंका नहीं है उसके, 5-10-20 आदमी। कांग्रेस आज सफल क्यों है, नाकामयाब क्यों रही है, पहले बताइए कांग्रेस आज सफल क्यों है, वो अपना मैनिफेस्टो समझा क्यों नहीं पा रही लोगों को? मैडम कांग्रेस कैसे समझाए, कांग्रेस कैसे आप चाचा एक सेकंड प्लीज, कांग्रेस कैसे समझाए? मीडिया तो कांग्रेस का साथ नहीं देता, मीडिया उल्टा जो भी मोदी जी ने बोल दिया उसको पक्ष में। मैं तो पूछता हूँ उनसे, सुशांत से भी, कई पत्रकारों से पूछता हूँ, तुम बीजेपी के प्रवक्ता हो या बीजेपी का हैंडल तुम चला रहे हो जो वो ट्वीट करता है या बीजेपी के फेसबुक, तुम बीजेपी का, मैं कई बार तो पढ़ लेता हूँ उनका तो मैं सोचता हूँ कोई बीजेपी का हैंडल होगा, लेकिन बाद में जब देखता हूँ ना या तो पत्रकार है, अब तू पत्रकार है, मैं तो सोचा बीजेपी का हैंडल है बीजेपी का, तो ऐसे उनके ट्वीट होते हैं, कौन समझाएगा? गोदी मीडिया तो सो गया, गोदी मीडिया तो बिक चुका है, बिल्कुल बिक चुका है, कौन समझाएगा? एक सोशल मीडिया है वो, आप लोग किसी को भी अगर सच्चाई देखनी तो आप लोगों के चैनल देखने पड़ते हैं। सारे लोगों के सवाल आप ही से लूंगी ना, बीजेपी के समर्थन में बोलने वाले हैं। गोदी मीडिया कर दिया अर्णव गोस्वामी को, अर्णव गोस्वामी सुन लीजिएगा, पहले सुन तो लीजिएगा, पर मैं जेल किसने भेजवा दिया था गोदी मीडिया, आप सुन लीजिएगा, शर्मा नहीं रे, आप सवाल नहीं सुन रहे, मैं सबके सवालों का जवाब आप ही से लूंगी, इसीलिए इंतजार करा रही हूँ, रुकेगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ले रही हूँ, क्या इंडिया अलायंस अब मुद्दों से भी भटकता दिख रहा है, क्योंकि वो तो बार बार पीएम मोदी पर हमला कर रहा है, बार बार कह रहा है कि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहा है। मोदी जी का बात मुद्दा तो रहा नहीं, हिंदू मुस्लिम अभी अभी तो हिंदी मुस्लिम, पहले मछली वो आ गया था, मछली वाला मटन मछली आ गया था, ये हिंदू मुस्लिम आ गया, अभी दूसरे तीसरे चरण में, तो अभी चौथे चरण में रोने वाले भी हैं, अभी चौथे चरण में उसकी, मैं आपको आपके माध्यम से चल गया था, अभी देख लेना चौथे चरण के चुनाव में वो रोने वाले भी हैं, क्योंकि उनको अपनी हकीकत दिख चुकी है, और इंडिया अलायंस अपने मुद्दों से नहीं भटका है, इंडिया अलायंस तो अभी राहुल का सम्मान कर रही है, आप राहुल जी का, राहुल जी देश के कभी प्रधानमंत्री एक सांसद है,
ठीक है, 30 साल से उनका परिवार का, 32 साल से उनका परिवार का कोई सदस्य कोई ना किसी पद में ना किसी कुछ में। राहुल जी का भाषण देख लीजिए और एक मोदी जी का भाषण देख लीजिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा किसका भाषण क्या है, किस लहजे से कौन भाषण देता है। प्रधानमंत्री पद के कोई गरिमा रखता है आदमी, क्या बोलता है क्या नहीं। अरे वो बताया वैसे तो कहता है 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, वैसे वो मुसलमान को टारगेट करता है क्या, 30 करोड़ भी तो मुसलमान है, 35 करोड़ वो 140 करोड़ में नहीं आते क्या, या उसे अलग 170 करोड़ मुझे जनता होगी पूछ रहा हूँ। सर विकसित पहले सवाल सुनेगा, विकसित भारत से 370 मुद्दा था, देखिए राम मंदिर मुद्दा था, बड़ा मुद्दा, अच्छी बात है, इसको गिनवाना चाहिए था। ये मुद्दे सारे दरकिनार करके हेट स्पीच क्यों, क्या आपको लग रहा है कि पीएम मोदी को शोभा देता है कि वो विशेष धर्म के बारे में ऐसा कुछ बोले। पहले शर्मा जी के बात को जवाब दे दूं, इन्होंने कहे हरियाणा में लड़ चली है, हरियाणा में लड़ चली वो तो इनको याद है, लेकिन जो इनके प्रदेश कार्यालय में संदीप दीक्षित और कन्हैया कुमार और उदित राज के बीच में लड़ चलिया कुर्सी चलिया वो भूल जाते हैं। नंबर एक जवाब मिल गया इनको। नंबर दूसरा नंबर समझाइए, थोड़ा समझाइए, बोलने नहीं देते ना ये लोग, उनको जवाब मिल गया। दूसरी बात कि शर्मा जी ने कहे मणिपुर तो ऐसे जाते हैं जैसे कि हवाई जहाज जा रहा हो, और जब संदेश खाली की बात करूं, झारखंड की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, तो ये नहीं, इनके बड़े बड़े नेता जो है चुप्पी साध लेता है, तो इस चीज पलट देते हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, क्या रहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं हो, जवाब दे ही नहीं पाते। लेकिन राहुल गांधी है, लेकिन राहुल गांधी वो है, राहुल गांधी है जो मनमोहन सिंह के एक अध्यादेश को फाड़ करके एक प्राइम मिनिस्टर के, जब किसकी औकात है जो एक प्राइम मिनिस्टर की, किसकी मैडम किसकी औकात है जो एक प्राइम मिनिस्टर के अध्यादेश को ला करके अरे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर में फेंक दे, ये किसकी औकात है। ये औकात जब रखता है वो बैक साइड से प्रधान देश को चलाने की, तो ये औकात भी होनी चाहिए जो मणिपुर जाना चाहिए। इसके मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य होगा या हिंदू मुसलमान। आज देश में विपक्ष के सामने कोई महंगाई का मुद्दा नहीं है, कोई बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, और देश हित में कोई मुद्दा नहीं है, सारा सोच नकारात्मक है। विपक्ष के पास जितनी भी सोच है सारा नकारात्मक है। अगर देश संबंध में सकारात्मक सोच होती विपक्ष को, तो जितनी आज मुद्दे ये उठाते हैं सबकी स्वागत करता हूँ मैं, इतने मुद्दे ये उठाने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन इनके लीडर कहाँ चले जाते हैं, आपके साथ छोड़ के भाग जाते हैं, वो किस मुंह से खड़े होंगे। इसलिए आज विपक्ष के मैडम, आपने पूछा कि चुनाव किस वजह पे होना चाहिए, रोजगार पे होना चाहिए, शिक्षा पे होना चाहिए, स्वास्थ्य पे होना चाहिए, या हिंदू मुसलमान पे होना चाहिए, आप ये जवाब दो। आज मैं कह रहा हूँ अच्छी बातें की, लेकिन जवाब बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मुद्दे पर जब विपक्ष कोई बात करने को तैयार नहीं संसद में, पार्लियामेंट में, सड़क पर जवाब उठाने के लिए तैयार नहीं, तो मोदी किसको घर घर जाएगा जवाब देने। आज आज इतने एयरपोर्ट बने हैं, इतने हॉस्पिटल बने हैं, इतने रोड बने हैं, क्या उसमें नौकरी नहीं मिली है, सबको मिली है, पढ़ना कुछ नहीं, वोट इसी पर मांगने चाहिए, कलेक्टर की नौकरी चाहिए, कांग्रेस टाइम में। आपने मैम इनसे ये पूछा कि चुनाव किस पे होना चाहिए, ये उस पर बात करनी है, आप ये बताओ क्या तानाशाह हो गया क्या? अरे वाह, ऐसे क्या तानाशाह हो गया, कह रहा तानाशाह हो गया, आपके पास लौटती हूँ, आप बताइएगा क्या कहना चाह रही हूँ। मैं मैम ये जल्दी सबके सामने मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बीजेपी की सरकार हो या हमारी कांग्रेस की सरकार हो, हमारे को घर के अंदर बीवी बच्चे पाल लें। मेरा नाम मोहम्मद आमिर कुरैशी है, खारी बावली में मेरे अंदर मकान है, ठिया है, सब चीज है, ठीक है, खारी बावली के अंदर यहाँ कर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे को नरेंद्र मोदी से, कांग्रेस से, राहुल गांधी से, किसी से भी कोई टेंशन नहीं है, मगर हमारे बस काम धंधे थोड़े से ख़त्म हो गए हैं, और मतलब रोजगार मिलना चाहिए, घर गृहस्थी आराम से चल सके, ये मुद्दा थोड़ा सा ये है कि हमारी जो है ना पढ़ाई लिखाई सारी मिट्टी में मिल रही है।